गाइस, गुड मॉर्निंग कोलकाता, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हैप्पी रहो एंड ऑल हैप्पी रहो। सब गाइस, अभी सुबह का 7:34 और सुबह का जो मतलब जो रूटीन होता है वो हो गया है कंप्लीट। दीदी और अर्शित चले जा चुके हैं स्कूल और वो टिफिन में क्या लेके गए हैं, कैसे कैसे सब कुछ मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखा दिया है। ओके, और मैं भी स्पेशली नीचे थोड़ा घूम रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ। वैसे तो आज देखा जाए वेदर सही है, सावन के महीने में वेदर बहुत ही ज़्यादा मस्त रहता है, बस बारिश ही बारिश। बट अभी आसमान पूरा साफ है, बारिश वारिश कहीं नहीं हो रही, आसमान पूरा साफ। ये सावन के महीने में हर जगह हरियाली, ये तालाब साफ कर दिया हो भाई, शुक्र है परमात्मा का। गाइस, ये तालाब देखने में ऐसा लगता है बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा तालाब है। तो आज तो गया स्कूल, अभी जो उसके उन लोगों के एबसेंट में जो रह गया है वो मैं मुझे करना है, खाना पीना बनाना है सब कुछ। अर्शवी लेकर जा रहा है आज स्कूल टिफिन में पनीर टोस्ट, ये है मटेरियल, पनीर एंड ये टोस्ट। देखो अभी अर्शवी आजकल अकेले अकेले रोड पार करना सीख रहे हैं। तो दादी गई हुई थी, दादी अभी आ गई है। सुबह की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, मतलब बाबा जी को घर थोड़ा सा क्लीन करना, सुच्चा करना, फिर जोत बत्ती करना बाबा जी को, वो सब दादी ने उठ के सुबह से कर दिया। और आज तो पता नहीं सूरज चाचू कहाँ से आ रहे हैं, दादी ने कपड़े भी वॉश कर दिए सुबह सुबह, मस्त। अगर ऐसे रहे ना गाइस, घर के जो बुजुर्ग होते हैं अगर वो ही नहीं सही रहेंगे तो मतलब हम छोटे क्या करेंगे, है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। खैर एनीवेज, बारिश के दिनों में वैसे भी मतलब जहाँ पे प्लांट्स वगैरह वहीं पे लगाए जाते हैं, जहाँ पे मस्त खुला एरिया जगह हो, मतलब सजा के लगाओ और डेकोरेशन जैसे बोलते हैं ना, प्लांट्स से डेकोरेशन मतलब ऐसे कर देते हैं तो उस हिसाब से अच्छा लगता है। अब एक ही छोटी सी जगह पे इतने सारे गमले रख दो तो वो फूलों का पता नहीं चलता कि कौन से गमले में कौन से प्लांट में कौन सा फूल हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि कौन से प्लांट में कौन सा फूल हुआ है, सब एकदम एक साथ हो गए हैं। खैर एनीवेज, जब जिस दिन मेरा कभी इन फ्यूचर कभी भगवान की कृपा से अगर मैं कर पाई या फिर बन गया ना, तो मैं अलग से एकदम गार्डन एरिया बनाऊँगी। और बाकी गाइस, आप लोग की फुल सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी शायद ये हो पाएगा, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। तो गाइस, नीचे ऑलमोस्ट घर की सारी चीज़ें हो गई है कंप्लीट और टाइम अभी हो चुका है 9:56। बेड वगैरह सब कुछ कर दिया है क्लीन, बस फ्लोर की क्लीनिंग बाकी है। और मैं अभी आई हूँ छत पे, जो दादी ने कपड़े वगैरह काफ़ी वॉश कर रखे थे वो सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ छत पे। वैसे तो आसमान में काले काले बादल हैं, कभी भी बारिश मतलब कभी भी बारिश अटैक कर सकती है, ठीक है। तो अभी वैसे तो धूप का सेक है और ताप है, तो इसी मतलब वजह से फटाफट कपड़े वपड़े डाल के निकलती हूँ नीचे, यहाँ से आपको मिलती हूँ फिर। ये है सावन महीने के नज़ारे, छत पे कपड़े डाल के मैं गई थी नीचे, नीचे जाके बस मैंने बैठ के अपने लिए चाय बनाने की बस स्टार्टिंग करी, तब देखा जोर जोर से बादल गरजने लग गया और आ गया बारिश। और मैं बारिश में बहुत गंदे तरीके से भीग चुकी और एक कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं बारिश रुकने का वेट कर रही, बिकॉज ये बारिश ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, 10 मिनट से खूब मुश्किल से चलेगी और फिर उसके बाद रुक जाएगी। तो फालतू में कपड़े लेके जाके कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज कपड़े बहुत ज़्यादा और नीचे बालकनी में इतना जगह नहीं हो गया, भीग गया और साथ में मैं भी भीग चुकी हूँ पूरा। ओ भाई, के नज़ारे, सावन महीने के नज़ारे हैं ये, एक मिनट में बारिश, एक मिनट में धूप, ये है भगवान की लीला। खैर एनीवेज, ये कपड़े लेके बैठी हूँ, बारिश रुकता डालती हूँ, डाल के जाती हूँ नीचे, फिर करती हूँ तैयारी खाने पीने वगैरह की। और वैसे भी घर के काम सारे ऑलमोस्ट ही हो चुके हैं कंप्लीट, बारिश बारिश। गाइस, मुझे तो लगा था कि ये बारिश रुक जाएगी, पर ये बारिश रुकने वाली नहीं है, बारिश अभी भी कंटिन्यू होए जा रही है, थोड़ा थोड़ा कभी स्पीड स्पीड। तो खैर जो भी हो, मैंने कपड़े सारे उठा के ले आई नीचे बालकनी में, पूरे भर के जैसे तैसे कैसे भी करके मैंने डाल दिया है, ठीक है। और टाइम हो चुका है गाइस पूरा 2:00, मतलब 2 बज चुका है और अभी टाइम है बस दोपहर का खाना पीना बनाने का। और ये देखो लीजो रानी मेरी सोई हुई है, घर की सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट।
और हाँ गाइस, मेरे लेजू का ना ये देखो दिखाती हूँ, कान है ना जो मतलब इसको जो इन्फेक्शन हुआ, तो बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, बस ये कान के पास थोड़ा सा नहीं, ये वाला नहीं दूसरा वाला कान, ये कान ना गाइस मेरे लेजू का फूला हुआ है, आई डोंट नो क्यों। ये देखो ये कान ना थोड़ा सूजा हुआ है, डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने बोला ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएंगे दवाइयाँ वगैरह कंटिन्यू रखने के लिए। ये देखो ऐसे हो गए थे इसके स्किन इन्फेक्शन, देखो देख रहे थे, मतलब देख के लग रहा है कि नहीं ये तकलीफ में है, क्या करेगा इस बारिश के दिनों में ना इनके हो जाते हैं इस टाइप से, देखो ये जगह जगह। अगर आपके किसी के घर में डॉग हो तो आप लोग बताना कि आप लोग क्या ट्रीटमेंट वगैरह क्या करते हो, डॉक्टर का अगर दवाइयाँ वगैरह बताना ठीक है कमेंट में, ओके, क्योंकि हम इंसान ही नहीं करेंगे ना इसका तो और कौन करेगा। रेस्ट करो पुत, जिसको भी कर रही है रेस्ट, उसको खाना पीना खिला दिए, दवाइयाँ भी दे दी हैं, तो वो अपना कर रही है रेस्ट, और अभी टाइम है दोपहर का खाना बनाने का, तो खाने में देखो मैं क्या बना रही हूँ, मैं ये आलू भुजिया इसका भी सारा कुछ रेडी करूँगी, और साथ में भिंडी भुजिया बनाऊँगी, नानी के घर से तोड़ी हुई है ये, और ये दाल है जो कल बनाई थी बची की थी रख दी थी हमने फ्रिज में, मस्त तरीके से दाल को लगाऊंगी तड़का, ठीक है, तो दाल फ्राई बनाऊंगी, भिंडी भुजिया बनाऊंगी, आलू भुजिया बनाऊंगी, ये साथ में चावल लग दी है बस, और अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगी है भूख, तो थोड़ा सा साबूदाना पड़ा हुआ था तो ये मैंने साबूदाने की बना ली खिचड़ी, नहीं सॉरी खीर, अब मैं ये खा लूँगी बस। सर सीर और दीदी हम लोग आ गए और अभी हम लगे खाना खाने, ये देखो खाने मैंने आपको बता दिया था कि आलू भुजिया चावल दाल और ये ऊपर भिंडी भुजिया, ये अर्शवीर, अर्शवीर की मैं खाना ज़्यादा खाता ही नहीं है ये मेरी दीदी और लीजू रानी सोई है, अर्शवीर के सर आने वाले तो फटाफट खाना पीना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, रूम खाली करना है, तो उस टाइम खाना पीना खा के हमने करी सी थोड़ी सी रेस्ट, जो उस टाइम रेस्ट करके अभी चिकू आया था, बीच में चिकू आके पढ़ के चला गया, और अभी हम लोग उठे थोड़ी देर पहले, 9 बजने में सिर्फ ओनली 3 मिनट बाकी है, 9:57 ओके, और अभी हम पी रहे हैं चाय, और गाइस और वैसे भी कुछ करने के लिए है नहीं, वैसे ही रात को 9 बज चुका है, जो खाना पीना हमने दोपहर में बनाया था वही हम रात को खाने वाले हैं, बस अभी अर्शवीर करेगा अपनी सेल्फ स्टडी, और अभी हम पी रहे हैं शाम की चाय, रात को 9 बजे पी रहे हैं ओके, और ये लीजो रानी देखो कैसे देख रही है चाय को, इसको एकदम मना है कुछ नहीं देना है, तो गाइस करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसी दौरान ब्लॉग कर दूंगी यहीं पे एंड, तो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो गाइस आप मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, एंड गाइस प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।